जी क्या ऐसा सी वी है मेरी तो आप इंटरव्यू के लिए आएंगे? जी जी इंटरव्यू के लिए आएंगे। ऐड की थी न्यूज़ पर आप शायद वो पर कर आए होंगे? जी जी मैंने आपकी दुनिया न्यूज़ पर ऐड की। अब क्या लगा कि आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं? आप समझते हैं अपने आप को? तो सर आपको क्या लगता है मैं इस जॉब में सूटेबल नहीं हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे? सर गवर्नमेंट ने कहा तो मैं जॉब पर ही न्यूज़ पेपर पर, तो मैंने सोचा कि मैं इसको उन्होंने कहा न्यूज पेपर पढ़ते हैं पहले अपनी कन्फ्यूजन दूर करें और रिलैक्स था सीधे होते मैं यू आर फॉर इंटरव्यू। सर गवर्नमेंट ने कहा मैं आप अपना एटीट्यूड ठीक करें, इंटरव्यू देने के लिए आए, आप आए हैं लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, और आप किसी थाने में नहीं बैठे हुए, कंपनी में बैठे हुए। सर मुझे भी पता ना कंपनी में बैठे सीधे होते हैं। इस बिहेवियर के साथ आपको लगता है कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा? सर आपको नहीं पता क्वालिफिकेशन, आपको पता नहीं क्या है? फॉर्म नहीं है मेरी। फॉर्म नहीं, कितने साल बाद? 17 ईयर्स, 17 ईयर्स हो गए। क्या सीखा आपने? सिर्फ डिग्री का कागज लेकर आए आप? एटीट्यूड, किस तरह बिहेव करते हैं, मैनर्स, एनीथिंग? सर आपको किस चीज से मैटर है? आपको भी डिग्री से मैटर है, कागज से मैटर है बस। मुझे डिग्री वाले बहुत मिलते हैं, रोजाना आते हैं इंटरव्यू के लिए, राइट? आपसे पहले भी 25 लोग लेकर गए, मैंने यहाँ पर वर्कर रखने हैं, बदमाश नहीं रखने। सर अगर आप नहीं जॉब देंगे तो मेरे पास हो भी बड़ी जॉब्स हैं, मेरा अपना बिजनेस। व्हाई आर यू हियर? आप आए क्यों नहीं यहाँ ये दिखाने के लिए कि मेरा बिजनेस था, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इस तरह के लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। सर बस मैं बाप ने कहा बाप ने, वरना मैं कभी नहीं आता। फादर ने कहा आप आ गए जी, ये आप अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं ये कहूँ उन्होंने ये इस तरह पर भेजा कि इस तरह जाकर बैठना, ये कहा था उन्होंने? आपको सर आपको मेरी जॉब से कंसर्न होना चाहिए, आपको मेरे एटीट्यूड और मेरे जॉब से मुझे नहीं आपको कंसर्न होना चाहिए। जॉब आपने कर दी मैंने नहीं, तो सर आपको भी एटीट्यूड के साथ हम किसी वर्कर को हायर नहीं करते। गो एंड लर्न एटीट्यूड, हाउ टू बिहेव विद योर सीनियर्स, देन यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड, अदरवाइज देयर इज नथिंग फॉर यू। सर आप मुझे जॉब नहीं देंगे तो फिर मैं इस कंपनी में जॉब कर सकता हूँ विद रेफरेंस? मैं देखता हूँ कौन सा रेफरेंस है जो आपको जॉब देते हैं, और अगर आपके पास रेफरेंस था तो आप मेरे पास क्यों आए, मेरे सामने क्यों बैठे हैं? पहले रेफरेंस के पास जाता हूँ उसके बाद मेरे पास आते। इस कंपनी को बने हुए 55 ईयर्स, 50 साल हो चुके हैं, और कोई बंदा कोई मसाल ऐसा नहीं है कि किसी को हमने रेफरेंस के साथ जितने भी वर्कर थे उनसे पूछे, उनकी क्वालिफिकेशन पूछे, उनसे मिले, आपको पता चले कि ऑन व्हाट बेसिस हुई हायर का वर्कर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।